3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग से पहले हमारा एलिवेशन था, एलिवेशन प्रीवियस जो हमने बताया एलिवेशन है, एलिवेशन के बाद हमारा 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टॉपिक आता है। सो 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एंड 2D टू 3D कन्वर्जन टॉपिक, अभी आप देखेंगे 2D टू 3D कन्वर्जन और 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, तो ये दोनों टॉपिक मैं इस पे कवर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। और आपका जो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग से पहले मैं आपको बताऊंगी कि 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट को 3D, और 3D 2D एलिवेशंस आपने बनाया है या 2D लेआउट आपने बनाया है, तो 2D लेआउट एंड एलिवेशंस को आप 3D व्यू पे किस तरह से आप चेंज करते हैं और 3D ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए लेआउट, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं तब भी आपको 2D लेआउट, उसका 2D प्लान या 2D सेक्शन, 2D जो भी है सेक्शन हो या साइड हो या जो भी हो, वो एलिवेशंस आपको टॉप व्यू उसका बनाना पड़ेगा, इट मीन्स आपको प्लान लेआउट बनाना पड़ेगा एंड देन उसका ले साइड एलिवेशन या एलिवेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको बनानी ही पड़ती, चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाएं या लेआउट पे बनाएं या कोई आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, तो सभी चीज़ में प्लान ज़रूरी है, प्लान लेआउट ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसका एलिवेशन बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने कवर की हुई है लास्ट सेशन पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन हमारा ज़रूर देखिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सेशन में मैं आपको बता रही हूँ कि 2D एलिवेशन से 3D पे हम किस तरह से कन्वर्ट होते हैं एंड 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग किस तरह से करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों टॉपिक मैं अभी आपको कवर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने लेआउट बनाया हुआ था, ये हमारा किचन लेआउट है एंड ये हमारा एलिवेशन है। मैं आपको इमेज शो कर दूं कि हमारा जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वो ये है। इस फाइनल आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे टॉप लेआउट, टॉप व्यू या टॉप प्लान या फिर एलिवेशन बनाया हुआ है, एक्चुअली प्लान है, स्पेस प्लानिंग है ये, और एंड लेआउट बनाया हुआ है। और ये है आपका साइड एलिवेशन जो हमने इस व्यू से निकाला है, सिंपल वन लाइन का मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इमेज में भी आप देखेंगे सिंपली वन लाइन पे ही सारे सेटअप्स हैं। सो इस वजह से सिंपली वन लाइन पे ही सारे सेटअप्स हमने किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा लेआउट और स्पेस प्लानिंग एलिवेशन कंप्लीट हो गया है और हम अब इसे 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने से पहले हम इसकी कॉपी बना लेते हैं ताकि हमें मेजरमेंट्स याद हो, मेजरमेंट्स याद हैं। सो हम इसे साइड कर लेते हैं और सारे डायमेंशंस आप यहाँ पर से डिलीट कर दीजिए क्योंकि अब ये यूज़ नहीं आने वाले हैं। तो सारे डायमेंशन हम यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं। ये सारे डायमेंशन हमने यहाँ से डिलीट करी है साइड पे क्योंकि ये वन साइड ही है। सो अगर आप टॉप से नहीं भी लेते हैं सो सिंपली साइड से भी हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो 3D में जाने से पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में मैं कुछ बता दूँ कि आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखेंगे व्हील है, सिंपली अगर आप टॉप व्यू पे हैं सो इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ये सिंपल रोटेट हो रहा है। बट इसके अलावा अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है तो सिंपली आप कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। सो आप देखेंगे ये व्यू आइसोमेट्रिक व्यू पे आ गया, इट मीन्स आप इट मीन्स आप एक कॉर्नर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखें, फॉर एग्जाम्पल आप इस क्यूब को ही देख लीजिए, सो इस पे आपको टॉप भी दिख रहा है, टू साइड व्यू, एक लेफ्ट और एक राइट व्यू भी दिख रहा है, टू साइड व्यूज दिख रहे हैं और एक टॉप भी दिख रहा है। ये 3D व्यू है, थ्री व्यू हमें एक साथ यहाँ पे दिखते हैं इसलिए इसे 3D व्यू दे बोलते हैं। और 2D इट मीन्स टू डायमेंशनल, 3D इट मीन्स थ्री डायमेंशनल, सिंपल है। सो थ्री व्यूज हमें देखने मिल रहे हैं इसलिए 3D हो गया, और टू व्यूज हमें वहाँ पे लेंथ और विड्थ ही देखने मिलता है इसलिए वो 2D कहलाता है। सो ये फर्क होता है 2D और 3D में। सो 3D में हमें वन मोर डायमेंशन चाहिए होती है हाइट, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ विड्थ है बट इसकी हाइट नहीं है, तो हम इस पे हाइट भी देंगे ताकि ये 3D बन जाए, थर्ड डायमेंशन भी इसका आ जाए। सो इसके लिए इसे हाइट एक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि सिंपली आप कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड साइड से आप सिंपली 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन से हट कर चले जाइए 3D मॉडलिंग में क्योंकि हम 3D मॉडलिंग पे वर्क करने वाले हैं। तो आप यहाँ से वर्क स्पेस चेंज कर लीजिए। इन केस अगर आपको यहाँ पे वर्क स्पेस की ऑप्शन नहीं आ रही है तो सिंपली डाउन एरो को क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए कि आपका वर्क स्पेस ऑप्शन कहाँ है। सो ये वर्क स्पेस ऑप्शन है, इन केस आपका वर्क स्पेस ऑप्शन नहीं दिख रहा होता इट मीन्स ये अनटिक्ड होता है,
देखिए हट गया, तो यहाँ पे डाउन एरो आता रहेगा और ये वर्क स्पेस पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपको वर्क स्पेस की सेटिंग की ऑप्शन यहाँ पे शॉर्टकटली आती रहेगी। यहाँ से अगर टॉप से अगर आप टॉप बार से नहीं लेते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, सेटिंग्स पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे भी आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एंड 3D मॉडलिंग यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे से सेट करने के बाद, 3D मॉडलिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट व्यू ऑप्शन रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट व्यू अनसेव्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यूज के आपको डायरेक्ट ऑप्शंस आएंगे, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। इट मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो कॉर्नर है आपका साउथ ईस्ट का आ रहा है, तो ये जो मैंने कॉर्नर क्लिक किया था वो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक हो गया, ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे है। अगर आप साउथ वेस्ट पे जाते हैं तो आप देखिए साउथ वेस्ट का कॉर्नर आ रहा है, इट मीन्स ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो गया, साउथ साइड और वेस्ट साइड आपको दिख रहा है ये लाइट। सो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मैं साउथ वेस्ट सेट करती हूँ। एंड यहाँ पे आप हैंडल्स को मैं फिलहाल अभी रिमूव कर रही हूँ, या फिर सारे हैंडल्स जो हैं यहाँ पे मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट कर देते हैं एंड डायरेक्टली प्रेस पुल करते हैं। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सिंपल, प्रेस पुल या एक्सट्रूड, दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यहाँ पे प्रेस पुल कर लीजिए या एक्सट्रूड कर लीजिए। प्रेस पुल का यूज़ सबसे बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमें शॉर्टकट ही यूज़ करना है, शॉर्टकटली हमें ये जानना है, सिंपली प्रेस पुल करते जाना है। इट मीन्स यहाँ पे एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है हमें किसी ऑब्जेक्ट को, सिंपली प्रेस पुल करते जाइए। कुछ और चीज़ें हैं ओवन पे, आप देखेंगे बीच में ये जो ओवन है और ऊपर वाइट और नीचे वाइट, सो ये कवर्स हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सो ये दो डिवीजन है यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए कुछ जगह, सो यहाँ पे आप डिवाइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए फ्रॉम साइड, इस वन में डिवाइड कर लेती हूँ। आप डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमने सिंपली ऐसा एक एरिया डिसाइड कर लिया कि इतने में माइक्रोवेव हमें जाना। अब इसे प्रेस पुल करते जाना है। अब प्रेस पुल करने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जब आप साइड पे जाएंगे, आपको साइड व्यू में बता दूं, ये देखिए आप नीचे, हमने नीचे की जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, बट जो लोवेस्ट एरिया है वो आपका 20 सेंटीमीटर, सॉरी 50, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर के 60 सेंटीमीटर में आपका 15 सेंटीमीटर कट जाएगा, और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास 15 to 20 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर माइनस होने के बाद जो जगह बचेगी वो लास्ट आपका ये एरिया होगा। तो यहाँ पे आपको जो डाउनवर्ड साइड है, इट मीन्स जो प्लेटफॉर्म है, जो कुक टॉप है, कुक टॉप तक आपको 2 फिट की चौड़ाई लेनी है, और जब ऊपर आप जाते हैं जहाँ पे रेक्स हैं आपके, सो कबर रेक्स एंड कवर्स हैं, तो यहाँ पे आपको 32 to 36 सेंटीमीटर लेना है, तो हम 32 लेंगे। सो चलिए, सो सारी यहाँ पे जितने भी हैं इन सब वो प्रेस पुल कर लेते हैं। प्रेस पुल करने से पहले आप देखेंगे हर इमेज में गैप होता है, जब आप कवर्स बनाते हैं या कवर्स आप सेट करते हैं तो इनमें गैप्स शो होता है, ये देखिए गैप्स आ रहे हैं, सो इन गैप्स को आप बना लीजिए पहले। सो इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे कॉपी कर लीजिए, सिंपली 1 सेंटीमीटर और कम, 1 सेंटीमीटर से भी कम देना है, तो 0.5 या 1 इंचेस, सॉरी 1 इंचेस से भी कम देना है, तो 0.5 इंचेस करके मैं एंटर कर रही हूँ ताकि 1/2 इंचेस हो जाए, एंड एंटर अगेन, एंड दैट्स इट, अगेन ऑफसेट, अगेन एंटर कर दीजिए, अगेन सेलेक्ट करिए, ऑफसेट करिए, आपको 0.5 इंचेस चाहिए, 0.5 इंचेस और एंटर करिए, कोई भी एक साइड पे आप दे दीजिए, सभी में इन चीज़ों को अप्लाई करनी है आपको, जहाँ पे भी कवर्स डिवाइड हो रहे हैं। इस तरह से आप इन सभी को मेंशन कर दीजिए। ओके, ये सारी चीजें आपके मेंशन हो गई।
अब आपको सिंपली प्रेसफुल कर लेना है, क्योंकि आपने गैप्स दे दिए हैं, सभी में गैप्स आ गए हैं। आप देखिए सभी में गैप्स आ गए। अब आप सिंपली इसे प्रेसफुल कर लीजिए। सो प्रेसफुल करते हैं, फर्स्ट इमेज पे आप इसे चेक कर लीजिएगा। ये बिल्कुल, ये देखिए ये 2 फिट पे है रेफ्रिजरेटर, और ये भी 2 फिट पे, पूरी पूरी इसी के बैलेंस पे ही, बैलेंस पे ही बिल्कुल ये आया हुआ है। जबकि सबसे डाउन पे आप जाएंगे तो ये कम है, और यहाँ पे आप जाएंगे ये भी कम है। सो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है। सो चलिए प्रेसफुल करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट साइड। आप स्टार्ट कर लीजिए प्रेसफुल करना। सिंपली आपको प्रेसफुल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी एक इंटरनल पॉइंट लेना है, इंटरनल पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रेसफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रेसफुल का ऑप्शन है। सो सिंपली प्रेसफुल मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप प्रेसफुल लेते हैं, यहाँ पे कमांड पे देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉन्डेड एरिया, इट मीन्स बॉन्डेड एरिया चारों साइड से बॉन्डेड होना चाहिए। और क्लिक करिए और इसे प्रेसफुल करिए अपवर्ड साइड एंड दे दीजिए 2 फिट का एरिया। अगेन सेम चीज़ एंटर करिए, अगेन एंटर करिए, वही सेम कमांड आता जाएगा। इसे भी दे दीजिए, आपको 2 फिट चाहिए, 2 फिट एंटर। अगेन अगेन सेम कमांड आपको करनी है। आप रेफरेंस हाइट भी दे सकते हैं, 2 फिट दे दीजिए, रेफरेंस हाइट दे दीजिए। अगेन एंटर एंटर करते जाइए, क्लिक करिए। इसकी जो हाइट होगी ये 32 हमने आप पे देखा था, 32 है। तो फिर से आपको कैलकुलेटर अगर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर से CALC कैलकुलेटर यहाँ पे टाइप करिएगा, कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। CALC अगर आप टाइप करते हैं तो कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आ गया, देखिए यहाँ पे सिंपली मिलीमीटर्स में वहाँ पे आपको 32 दिखा रहा है, सॉरी मिलीमीटर्स नहीं, आपका मीटर्स में वहाँ आपका सेंटीमीटर्स में वहाँ पे 32 दिखा रहा है। सो सेंटीमीटर्स करते हैं, सेंटीमीटर्स में आप देखें 32 सेंटीमीटर्स, इट मीन्स आपका 12.59 इंचेस, इट मीन्स आपका 1 फिट, इट मीन्स आपको 1 फिट ही लेना है, इट मीन्स हाफ ही लेना है, या फिर 12.5। तो हम सिंपली 1 फिट 1 फिट ले लेते हैं। तो सो यहाँ से एक्स टू, यहाँ से प्रेस पुल लीजिए, फिर से क्लिक करिए और यहाँ पे सिंपली हम 1 फिट ले रहे हैं। अगेन एंटर, सो 1 फिट अगेन 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 एंटर, प्रेस पुल 1 फिट अगेन अगेन। सिंपली आपको प्रेसफुल करते जाना है, आप रेफरेंस हाइट भी दे सकते हैं। सो ये आपका रेडी हो गया। वायर फ्रेम में आप देख रहे हैं, अगर आप इसे कंसेप्शनल में देखते हैं तो ये देखिए आपका रेडी होते जा रहा है, ये सारे बॉक्सेस आपके बनते जा रहे हैं। सो आप कंसेप्शनल में एक बार देख लीजिए, फिर से प्रेसफुल। आप सबसे पहले स्लैब ले लीजिए, ये जो स्लैब का एरिया आपका आ रहा है, ये स्लैब का एरिया हम ले लेते हैं। देखिए अगर प्रेसफुल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली 3D बॉक्स पे जाके 3D बॉक्स ले सकते हैं। बेसिक ट्यूटोरियल्स में सारे कमांड्स का यूज़ मैं बता चुकी हूँ, सो आप उन कमांड्स का यूज़ करना जानते हैं। और अगर आपने बेसिक ट्यूटोरियल मेरा नहीं देखा हुआ सो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर ईजिली देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसे 2 फिट का हाइट दे देते हैं, 2 फिट एंटर। देखिए सिंपली 2 फिट की स्लैब हमारी बन गई, इट मीन्स कुक टॉप बन गया हमारा। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बेसिन शो करना है, यहाँ पे बेसिन शो करना है। ये आप चले जाइए हमारी इमेज पे और यहाँ पे देखिए कि ये बेसिन है आपका यहाँ पे। सो इस तरह से बेसिन आपको शो करना है यहाँ पे। तो ये कैसे शो करेंगे आप, ये मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए आपको अभी इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद पर्टिकुलर सिर्फ इस एरिया को हम टॉप व्यू पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका बेसिन बना हुआ है, और यहाँ पे हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। ये देखिए बॉक्स रेडी करेंगे। आप एक डेप्थ डिसाइड कर लीजिए,
मैं 1 फिट का डेप्थ डिसाइड कर लेती हूँ. 1 फिट का डेप्थ मैंने ले लिया. एंड देन आपको फिर से बॉक्स लेना है और यहाँ पे आपको ये टॉप डिसाइड करना है. ये टॉप मैंने लिया और इस तरह से मैंने अपर साइड, जैसे सेंटीमीटर हमने 1 फिट, सॉरी 32 इंचेस, 12 इंचेस, 1 फिट. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया है 32 mm का एरिया है, ये देखिए 32 mm का एरिया है. सो यहाँ पे आप बॉक्स लीजिए. बॉक्स लेने के बाद कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करिए. 32 mm इट मींस आपको यहाँ पे नॉट सेंटीमीटर, नो इट्स मिलीमीटर. सो मिलीमीटर से आपको इंचेस में कन्वर्ट करना है. 32 mm है, इट मींस 1.2. सो 1.2 इंचेस हम ले लेते हैं, या फिर सिंपली आप 1 इंचेस ले लीजिए. ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या क्या प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे 1 इंचेस और ये एंटर ले लेते हैं. सो ये 1 इंचेस का हमने ले लिया और इसे अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें. सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑप्शन लेना है. ऑब्जेक्ट जिसे आप बचा कर रखना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, और जिसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे सेकेंडली सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए. ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया. अब आप इस स्लैब को यहाँ पे रख सकते हैं. सो इस स्लैब को यहाँ पे रखने के लिए, पुट करने के लिए, यहाँ पे आपको पुट करना है. सो यहाँ पे आप इसे पुट कर सकते हैं. इसके लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा, बट रोटेट करने से पहले यहाँ पे आपको एक सेल बनाना है. तो सेल बनाने के लिए सिंपली आपको फिर से जो बॉक्स हमारे पास था, इस बॉक्स का ही हम यूज़ करेंगे. क्लिक किया मैंने डाउनवर्ड साइड पे. आपको 1 फिट एंटर ले लीजिए. कंट्रोल जेड जेड जेड, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्लिक किया एंड द सेकंड साइड, द डाउन साइड, 1 फिट एंटर. 1 फिट हमने लिया, बट इसे हमें सेल पे कन्वर्ट करना है. तो सेल पे कन्वर्ट करने के लिए, ये सीन हमें सेल की तरह दिखाना होता है, तो सेल पे कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड एडिटिंग पे जाइए. यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, क्लिक करिए. जिस फेस को भी आप सेल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे क्लिक करिए. तो ये सॉलिड यहाँ पे आप ले लीजिए. तो सेलेक्शन साइकिलिंग आ रही है. रिमूव फेस दिस वन, इसे ही आप रिमूव करना चाहते हैं, और एंटर करिए. इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है सेल का ऑफसेट कितना चाहिए. सो सेल का ऑफसेट आप 2 2 इंचेस, 1 इंचेस लेना चाहते हैं. तो मैं यहाँ पे 2 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ पे एंटर करती हूँ. तो देखिए बेसिन के लिए 2 इंचेस चारों साइड पे हुआ गया. और ये एंटर कर दीजिए, अगेन एंटर. सो इस तरह से ये आपका बेसिन बिल्कुल रेडी हो जाता है. यहाँ पे जिस टाइप का भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3D बॉक्स हम ले लेते हैं, एंड देन फ्रॉम मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करिए. मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही बना रही हूँ. यहाँ पे सिंपली क्लिक करती हूँ. क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमने दिया, एंड देन अगेन क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद आप सिंपली कर सकते हैं, क्लिक करिए. आप यहाँ पे वायर फ्रेम का यूज़ कर लीजिए अगर आपको परफेक्टली सेट करना है. सेलेक्टली आप मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हियर, देन आप स्पीयर या सिलेंडर या सर्कल का यूज़ कर सकते हैं.
कॉन्सेप्शन, ये देखिए हमने ये रेडी कर लिया। अब मैं इसे इंटरसेक्श करना चाहती हूँ, सो या फिर यूनियन करना चाहती हूँ, सो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यूनियन किस भी जिस भी प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं एंटर कर दीजिए, अगेन एंटर कर दीजिए, ये यूनियन हो जाएगा, ये वन प्रोडक्ट आपका बन गया। आप इसे रोटेट भी करके लगा सकते हैं, सेलेक्ट करिए सिंपली, एंड 3D रोटेट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास रेड सेल के, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये देखिए, अगर आप ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं सो इस तरह से आप इसे मेंशन कर सकते हैं एंड मूव भी कर सकते हैं, सो क्लिक करिए और सिंपली ऑर्थो ऑन करके स्ट्रेटली जेड डायरेक्शन पे कर दिया। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। हियर अगर आप चाहते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन आपको करनी है तो सिंपली आप सॉलिड पे जाइए, फिलेट ऑप्शंस हैं, फिलेट एजेस ऑप्शन है, एज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपको यूज़ करना है सेलेक्ट करिए, अगेन दिस साइड जेड कलर टीचर्स क्लिक करिए, एंटर करिए, एरो आ रहा है, कम या ज़्यादा करना है आप यहीं से कर सकते हैं, और अगेन एंटर, अगेन फिलर एजेस यूज़ करिए, क्लिक करिए, एंटर करिए, जो लास्ट आपने लिया था वही आपका आ जाएगा। सो इस तरह से सभी को आप यहाँ पे फिलर एजेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बेसिन रेडी हो गया। इसमें और भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग्स वगैरह करनी है, बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। बेसिन को थोड़ा सा अगर आप डाउन करना चाहते हैं सो हल्का सा आप डाउन कर सकते हैं, डायरेक्शन आप दे दीजिए 1 इंचेस और 0.5 इंचेस में देती हूँ। सो 0.5 इंचेस मैंने डाउन किया है इस तरह से लुक देने के लिए सिर्फ। सो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। आप सिंपली इन सारी चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे प्लेस इसे, फर्स्टली हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्लैब, हमारा स्लैब का जो वर्क है वो हमारा रेडी हो गया है। सो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। प्रेस पुल चलते हैं अगेन, आपको हाइट देनी है 2 फीट की, दे दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, अगेन प्रेस पुल आपको करते जाना है। सेम प्रोसेस है, जस्ट रेफरेंस देते जाइए या 2 फिट एंटर करते जाइए। ओके, सो ये सारी चीजें बनके रेडी हो गई हमारी। रेफ्रिजरेटर को भी आप प्रेस पुल कर लीजिए। रेफ्रिजरेटर पर मैं बीच में एक डिवीज़न दिखाना चाहती हूँ, सो हम सिंपली यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन लाइन ले लेते हैं। ओके, सेलेक्ट करते हैं और कॉपी या ऑफसेट जो भी आप ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दिस वन एंड दैट्स इट। ओके, सो इसे प्रेस पुल करते हैं फिट तक, अगेन एंटर, अगेन एंटर, अगेन हियर। ओके, सो ये भी हमारा रेडी हो गया है। सो ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद हम यहाँ पे वायर फ्रेम में चल रहे हैं और इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम 3D रोटेट ऑप्शन सिंपली आपको क्लिक करना है। रेड सर्किल फॉर द सेम, जिस भी एक्सिस में, जस्ट लाइक जिस भी एक्सिस में आपको राउंड करना है वो एक्सिस का सर्किल आप क्लिक कर लीजिए, ये आपका आ गया। इसे एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कॉन्सेप्शन में जाइए, ये आपका रेडी हो गया। ये देखिए ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एक बार हम बाहर लेकर आ जाते हैं
और यहाँ पे सिर्फ इस बॉक्स के साथ हमें कुछ वर्क करना है बाद में, बट या पहले हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे। सारी चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको मूव करना है, तो सिंपली मूव, ये कॉर्नर आपको वहाँ पे मिलेगा, सो इसे क्लिक करते हैं। ये कॉर्नर आपको यहाँ पे मिलेगा, सो यहाँ पे रख देते हैं। सो ये प्लेस हो गया। अब यहाँ पे ये बॉक्स जो आपने सेलेक्ट किया था, इसे सिंपली हम थिकनेस कम कर देते हैं इसका और मूव करते हैं। आपको जो बेस्ट कॉर्नर वहाँ पे मिलेगा उसे प्लेस करने के लिए ये है, क्लिक कर दीजिए, रोटेट करते हैं लेआउट के अकॉर्डिंगली। आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सो सेलेक्ट करिए, यहाँ पे हम मूव करते हैं। पॉइंट आपको मिलेगा वो ये है, सिंपली मूव। मैंने 1 इंचेस का लिया था सब में डिस्टेंस, तो 1.5 इंचेस और ये एंट्री, दैट्स इट। सो इस तरह से ये परफेक्टली प्लेस हो गया है। आप देखेंगे, देखिए परफेक्टली प्लेस हो चुका है। ये एक एरिया हमारा यहाँ पे छूट गया है, सो इस एरिया को हमें कवर करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली बॉक्स, जो भी करेक्शंस आप करना चाहते हैं वो करेक्शन आप कर लीजिए चेक करके। अगर डिफरेंट आ रहा है सो सिंपली आपको यूनियन का यूज़ करना है, जिस प्रोडक्ट को भी आप कंबाइन करना चाहते हैं, और एंटर, ये कंबाइंड हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई यहाँ पे। ये देखिए सैड एलिवेशन। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं, यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं और सिंपली आपको यहाँ पे प्लेस करना है। बट प्लेस करने से पहले आपको यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे छोड़ना है हमें, गेप। देखेंगे हमने इस लेआउट पे गेप छोड़ा हुआ था, ये गैप आ रहा है आपका, तो इस गैप को भी फिल करना है। तो इस गैप को फिल करने के लिए सिंपली प्रेस पुल लीजिए, ये एरिया लीजिए, ये एरिया हमारे पास यहाँ पे है जो रेफ्रिजरेटर एरिया को छोड़कर सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल ऊपर रखना है। तो यहाँ पे डायमेंशंस हम डिलीट कर देते हैं, सारे डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगेन डायमेंशंस को हम डिलीट करते हैं। अब मैं इन लेआउट्स को भी डिलीट करी। सो सिंपली जो हमें 100 mm का नीचे हमें चाहिए था, 10 cm, इट मींस आप इसे सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए CALC में। कैलकुलेटर में आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपको mm में 100 mm का प्लेस यहाँ पे ढूंढना है। इट मीन 10 cm, इसमें 3.9 इंचेस का एरिया जो है ये हमें नीचे से लेना पड़ेगा। तो सिंपली 3D बॉक्स लीजिए। ओवन के लिए भी हमने नीचे स्पेस छोड़ा हुआ था, तो ये सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो लास्ट आपका कॉर्नर है, फिट का एरिया हम यहाँ पर छोड़ते हैं, 3 फिट एंटर एंड हियर इट इज। ओके, ये रेफ्रिजरेटर का एरिया है, सो हम इसे छोड़ देते हैं और इसे 3D बॉक्स से सिंपली फिल करना है आपको। क्लिक करिए और इस तरीके से, और ये 3 इंचेस ले लीजिए, 3.9 का आया, 3.9 इंचेस एंटर ये आपने ले लिया और सिंपली इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पता है ये 10 cm अंदर जाएगा, मतलब सेम 3.9 यहाँ पे लेते हैं, 3.9 इंचेस अगेन एंटर करिए और दैट्स इट। एंड इसे आपको अप प्लेस करना है उस एलिवेशन, 3D एलिवेशन पे जो आपने रेडी कर लिया है।
सिंपली से प्लेस करना है, आपको जो बेस्ट मूव पॉइंट मिलेगा वो आपको लास्ट कॉर्नर मिलेगा, तो जहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है वहाँ से इसे पिक करिए, पिक करने के बाद इसे प्लेस कर दीजिए। ये आपको परफेक्टली प्लेस हो गया है। अब हम इसे सिंपली लेआउट पर रख देते हैं, बट लेआउट पर रखने के पहले यहाँ पे आपको विंडो डिफाइन करना है। जो विंडो का एरिया हमने लिया हुआ है वो ये हम इसे एक फाइंड कर लेते हैं कि कंप्लीट विंडो एरिया क्या है। यहाँ वैसे डिफाइन करने के लिए मैंने इस लाइन को लिया है, ओके इसे डिलीट कर दीजिए, रेफरेंस लाइन है ये, विंडो एरिया है। इस विंडो एरिया को हमें एज अ विंडो डिफाइन करना है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे विंडो डिफाइन करने के लिए सिंपली 3D बॉक्स ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसे प्लेस कर लेते हैं, सेलेक्ट करिए होल ऑब्जेक्ट को, सर से ये सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद आपको मूव करना है, जो बेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा वो आपका लास्ट कॉर्नर पॉइंट होगा। इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस मालूम है और ये कॉर्नर है आपका, क्लिक कर दीजिए, ये बेस्ट प्लेस हो गया है। इस तरीके से आप देखिए करेक्टली प्लेस हो गया है, ये करेक्टली प्लेस कर दिया हमने। प्लेस करने के बाद आपके पास ये विंडो एरिया, आपको पता है कि विंडो एरिया ये मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको विंडो प्लेस करना है, ये आपका विंडो एरिया है। आप सिंपली 3D बॉक्स का यूज़ करिए और यहाँ पे विंडो प्लेस कर दीजिए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको लेंथ, या सिंपली एल क्लिक करिए, एल क्लिक करने के बाद एक डिस्टेंस आप दे दीजिए, क्लिक करने के बाद अब आपको थिकनेस देनी है या वेथ देनी है। वेथ आप 1 इंचेस दे सकते हैं या 0.5 इंचेस दीजिए, जिस टाइप का भी ग्लास आपको वहाँ पे लगता है, जिस थिकनेस का भी, तो ये क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ग्लास का यूज़ हो जाएगा, एंड देन अबव ही आपको ग्लास का यूज़ करना है, ऊपर भी आपको ग्लास लेकर आना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको यूज़ करना है। ये सारी मॉडलिंग है, 3D मॉडलिंग है, ये 3D मॉडलिंग इसी तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे आपको सिंपल टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपका एलिवेशन का मैंने बताया है। यहाँ पे जिस तरह से हमने एलिवेशन बनाया है उसी तरह सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे क्योंकि ये बॉक्स है तो यहाँ पे साइड एलिवेशन आप देखिए, टेबल का साइड एलिवेशन बना लीजिए, ये देखिए बिल्कुल प्लेन है। अगर आप साइड एलिवेशन नहीं भी बनाते हैं फिर भी ये रेडी हो जाएगा। चलिए रेडी करते हैं इसको भी। इसकी हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी हाइट आपको क्या रखनी है। सेम हाइट रखिएगा जो स्लैब की हाइट है, आप इससे हाइटेड भी रख सकते हैं, स्लैब की हाइटेड जो है एज इट इज़ भी रख सकते हैं आप। इसकी हम एक्चुअल हाइट रख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली 2 फिट 8 इंचज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं, 2 फिट 8 इंचज़ ले सकते हैं, 80 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, 80 to 90 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 2 फिट 8 इंचज़ ले रही हूँ। 2 फिट 8 इंचज़ की हाइट लेने के लिए यहाँ पे सिंपल है, ये लेआउट बना हुआ है। आप सबसे पहले इसका टॉप बना लीजिए, एक बॉक्स लीजिए, क्लिक किया मैंने इसे, 1 इंचज़ 2 इंचज़ जितना देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ये लिया मैंने, क्लिक करिए, मूव करिए, 2 फिट 8 इंचज़ एंटर, ये आपका रेडी हो गया। एंड देन अगेन बॉक्स लीजिए, क्लिक करिए, लेंथ स्पेसिफाई करिए, कॉर्नर पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया, विड्थ एक स्पेसिफाई करिए, फॉर एग्जांपल 1 इंचज़ एंटर, 1 2 इंचज़ जितना भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और इस तरह से ये रेडी हो गया, क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, आपको जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा सिंपली इस तरह से मेंशन कर दीजिए, ये आपका हो गया। एंड देन अगेन यहाँ पे हम वायर फ्रेम में चलते हैं, बॉक्स लीजिए, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, या फिर 1 फिट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये क्लिक करते हैं हम, और अगेन एक रेफरेंस ले लीजिए, क्लिक करिए, एंड देन कॉन्सेप्शन, ये देखिए ये आपका रेडी हो गया। इस तरह से फिलिंग है, फिल्ड है फ्रॉम वन साइड,
आप रॉड पे शुरू कर सकते हैं, और ये आपका 1 फिट का एरिया टेबल के लिए। सो दैट्स इट, ये आपका रेडी हो गया है। इस तरह से 3D मॉडलिंग का आप यूज़ करके 3D मॉडल वर्क कर सकते हैं। इसके बाद वाले एपिसोड्स पे मैं आपको बताऊंगी कि मटेरियल किस तरह से रेडी करते हैं। यहाँ पे आप इमेज में स्टूल्स भी देख रहे हैं, स्टूल्स बनाना काफ़ी इजी है। आप इसका टॉप बना लीजिए या साइड बना लीजिए। मैं आपको सिंपली 1 स्टूल बनाकर इसका कॉपी बताती हूँ। सो यहाँ पे इसके लिए हमें सर्कल लेना पड़ेगा। सर्कल ले लीजिए, क्लिक करिए, आप रेडियस ले लीजिए। आपको रेडियस क्या लेना है, फॉर एग्जांपल 1 फिट की सर्किल मुझे चाहिए, तो मुझे 6 इंचेस का रेडियस लेना पड़ेगा। और ये आपका रेडियस हो गया, क्लिक करिए, इसकी एक और क्लिक करिए, ऑफसेट इसका ले लीजिए। हम थोड़ा सा इसे उभारना चाहते हैं, सो ये हमने ले लिया, एक क्लिक करिए, ये आपने ले लिया। और फर्स्ट सर्किल को मैं सेलेक्ट करके प्रेस पुल या एक्सट्रूड करती हूँ, सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, 1 इंचेस अप लेते हैं, और सिंपली सेकंड सर्कल को लीजिए और एक्सट्रूड कर लिए डाउनवर्ड साइड, और ये 1 इंचेस अगेन, दैट्स इट। एंड देन फर्स्ट सर्कल को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैश का यूज़ कर सकते हैं, इसे मैश लुक देने के लिए आप मैश का यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम सेव कर लेते हैं फाइल को। हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप मस्त सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए सिंपली आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में या इधर भी, सो सिंपली आप सेव करिए और एंटर कर दीजिए जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे आरती गैलरी लिख लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। अब ये सिंपल टेबल है, इसलिए हम इसे सिंपली यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आपके पास मैस का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। सो यहाँ पे आपको सॉलिड एडिटिंग मैश डायरेक्टली मिल रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट को मैश अप्लाई करना पड़ता है, तो क्रिएट मैश करके आप कर सकते हैं। ये देखिए मैश के लिए अप्लाई हो गया। एंड देन अगेन सेलेक्ट करिए, अगेन मैश करिए, एंड देन क्रिएट मैश करिए। ये देखिए सेलेक्ट करते हैं अगेन, एंड देन मैश स्मूथ, मैश स्मूथ, जितनी बार भी आप करते जाएंगे उतनी बार ही मैश स्मूथ हो जाएगा। सो इस तरीके से आप मैश स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड 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 जेड, हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैश कर रहे हैं, एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट को मैश नहीं करते। सो मैं इसे मैश स्मूथ कर रही हूँ, और ये मैश स्मूथ हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्ट स्मूथ हो गया, और इसके एजेस को हम फिलेट करेंगे। सो फिलेट पे चलते हैं और एज सेलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से एंटर एंड एंटर, एंड दैट्स इट। अगेन एंटर, सेकेंड डाउन साइड भी आप इसे यूज़ कर लीजिए, और ये आपका रेडी हो गया। अब इसे सेलेक्ट करिए, आप इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करिए ताकि ये इसके साथ मर्ज लगे। मैं इसे 0.5 इंचेस डाउन कर लेती हूँ। देखिए ये आपका रेडी हो गया। एंड आपको यहाँ पे अगेन एक रेफरेंस यहाँ पे सर्कल लेना है। अगेन मैं एक रेफरेंस सर्कल ले रही हूँ 6 इंचेस का, क्योंकि हमने 6 इंचेस का ही लिया था। ये रेफरेंस सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल आप छोटे से सर्किल्स बना लीजिए। ये हमने सर्कल बना लिया, एंड अगेन इसका ऑफसेट ले लेते हैं। सिंपली ऑफसेट ले लीजिए जो इससे छोटा हो। सो सिंपली इस तरह से हम एक ऑफसेट ले लेते हैं। ये ऑफसेट हो गया, आप इमेज में देखिएगा लगभग इक्वल है। सो हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सो ये हो गया। अब जो छोटी वाली सर्कल है इसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अपर डायरेक्शन दे रही हूँ। स्टूल की जो हाइट आप रखना चाहते हैं, स्टूल की जो भी हाइट फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हैं 1 फीट स्टैंडर्ड आप रख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो स्टूल की साइज़ होती है या स्टूल की हाइट जैसे आप रखना चाहते हैं 1 फीट 10 इंचेस, ये 1 फीट 8 इंचेस, तो इस तरह से आप रख सकते हैं।
मैं यहाँ पे 1 फीट 9 इंचेस रख रही हूँ, सो यहाँ पे टाइप कर लीजिए 1.9। आप डायरेक्टली 1.9 फिट टाइप कर सकते हो, 1.9 फिट पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। सो ये 1.9 फिट पे यहाँ देखेंगे आप, कंट्रोल जेड करते हैं। अब ध्यान रखिएगा जब आप प्लेस कर रहे हो तो बिल्कुल जेड एक्सिस पे वो जाए। सो इसे एक बार आइसोमेट्रिक व्यू पे रखते हैं, क्लिक करिए और आप डायरेक्शन दीजिए और यहाँ पे 1.9 फिट एंटर करिए और ये आपका 1.9 फिट पे आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। यस, ये करेक्ट है और इसे हम रोटेट करते हैं। ओके सो ओके, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी करेंगे हम। कॉपी ऑफसेट लीजिए, सेलेक्ट करिए, ऑफसेट लीजिए इस सर्कल पे, सेलेक्ट करिए, इस तरह से ये ऑफसेट लेते हैं। ओके, ऑफसेट लेने के बाद इस सर्कल को भी हमें बिल्कुल वैसे ही 1.9 फिट एंटर करना है। सो ये आ गया और इसे अगेन सेलेक्ट करके अगेन हमें ऑफसेट लेना है। आप 1 फिट या 1 इंचेस या अप्रॉक्सीमेट समथिंग ले सकते हैं। क्लिक किया मैंने, बस इतना ही रखना है और क्लिक करिए, मूव करिए। इसकी जो सेंटर पॉइंट है इसे बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटली जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है वहाँ पे मूव कर दीजिएगा। कोई भी एक नॉट पॉइंट लीजिए और इस तरीके से ये आपका ओके, ये रेडी हो गया। और इसी तरह से सेम आपको कॉपी करना है इसे ही नॉट पे ही जो भी क्रॉस आ रहा होगा आपका, क्लिक कर दीजिए ओके एंटर एंड देन अगेन कॉपी। सो अब आपको लोफ्ट करना है। सो इसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सूट पे जाइए, लोफ्ट करना है आपको। पहले लोफ्ट को सेलेक्ट करिए, सर्कल सेलेक्ट करिए एंड देन सेकेंड सर्कल एंड देन एंटर एंड देन एंटर। ये आपका रेडी हो गया। इसी तरह आपको 4 सर्कल्स यहाँ पे बनाने हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली। आप इन 4 सर्कल्स को टॉप पे जाकर भी सेट कर सकते हैं लाइक दैट, इस तरह से। ये 2 सर्कल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और इसे कॉपी कर लीजिए। ओके एंड देन फिर से रोटेट कर लीजिए और बस आपको लोफ्ट करना है एंड दैट्स इट। लोफ्ट करिए फर्स्ट एंड सेकंड सर्किल, एंटर एंटर अगेन एंटर। सो ये आप सिंपल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। लोफ्ट करने का मतलब ये है कि आप एक एंगल में दे रहे हैं। आपके पास स्वैप ऑप्शन भी है, आप चाहें तो आप स्वैप भी कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है और इसे सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पे वायर फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट करिएगा, मूव करिए। यहाँ पे आपको कोई एक सेंटर पॉइंट अगर मिल जाए, तो इसे सेलेक्ट करना है, मूव। आपको सर्कल पॉइंट यूज करना है यहाँ पे और इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे रख देना है। ये आपका स्टूल रेडी हो गया है। कॉन्सेप्शनल पे जाइए, ये देखें, ये रेडी हो गया है आपका स्टूल। सिंपली आपको इसमें बस मटेरियल आपको डालना है, मटेरियल पुट करना है। यहाँ पे आप देखिए
और भी ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3D सॉलिड, एंड आप इसे मूव करना चाहते हैं, या फिर बढ़ा या कम करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रख रहे हैं। अब आप इसकी कॉपीज़ बना लीजिए, 1 2 3। एक बार आपने बना लिया है, सो इसकी जस्ट आपको कॉपी बनानी है। सो इसके लिए सिंपली सेलेक्ट करिए, सबसे पहले हम मूव करके इसे सेट कर सकते हैं। आप टॉप व्यू से भी सेट कर सकते हैं, सो टॉप व्यू से भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो हियर हमने इसे प्लेस भी कर दिया है। आप जब कॉपी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स आप मटेरियल लेंसिंग से पहले यूनियन नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर मटेरियल लेंसिंग जब आप जाएंगे, सो सारे अलग अलग मटेरियल्स अगर आप देना चाहेंगे तो भी वो सेम ही पुट होंगे, इसलिए आप यूनियन नहीं कर सकते इसे जब तक आप मटेरियल लेंसिंग नहीं कर लेते, मटेरियल पुट नहीं कर लेते। तो ये मॉडल आपका रेडी हो गया। आप सिंपली अदर जो वॉल्स हैं उन्हें सिंपली प्रेस पुल कर लीजिए, या बॉक्स से कवर कर लीजिए, या एक्सट्रूड कर लीजिए लाइक दैट। यहाँ पे सिंपली मैं 12 फिट पे जाकर इसे कवर कर रही हूँ। वहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है, ऊपर भी ग्लास दिया हुआ है, सो यहाँ पे आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टोटली मुझे यहाँ पे ग्लास देना है, सो मैं ऐसे वॉल को पतला रख रही हूँ। आप रेफरेंस हाइट देते जाइए और इसे टोटली आपको क्लोज कर देना है। सिंपली लास्ट वन रेफरेंस ले देके टोटली इसे क्लोज कर देना है। ऊपर से सीलिंग अगर आप भी आप देना चाहते हैं तो सीलिंग सिंपली देकर इसे कम्प्लीटली क्लोज कर दीजिए। फ्लोरिंग देनी है, फ्लोरिंग यहाँ पे फ्लोरिंग दे सकते हैं। एक वन वॉल में हटा रही हूँ। सिंपली आपको वॉक्स फ्लोरिंग देने के लिए क्लिक करना है, और ये लास्ट वन वन आप अपर साइड या डाउनवर्ड साइड जिस तरह भी देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपर साइड मुझे देना है 0.5 इंचेस, 1 इंचेस, 0.5 इंचेस मैं सिंपली दे रही हूँ। आप इसे डाउनवर्ड साइड दीजिएगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट मेंशन किया है, 3 इंचेस का नीचे हमने यहाँ पे गेप मेंशन किया है यहाँ पे। सो ये पूरी 3D मॉडलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मटेरियल कुछ जो हम डालना चाहते हैं बहुत सारे देखेंगे आप, ये जो मटेरियल सारे डले हुए हैं, आप लैम्प्स देखेंगे, लैम्प्स भी हम इसमें बना सकते हैं, या फिर आप सिंपली इमेज भी पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि सिंपली लैम्प आप कैसे बना सकते हो, या फिर इमेज के थ्रू अगर आप डालना चाहते हो तो इमेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं। लैम्प बनाने के लिए सिंपली आपको रिवॉल्व का यूज़ करना है। आप सिंपली एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए इस तरह से, लैम्प की जितनी भी हाइट रखनी है आपको, फॉर एग्जांपल 1 फिट मुझे हाइट रखनी है, तो ये 1 फिट मैंने ले लिया। अब लैम्प के लिए आपको सिंपली एक कर्व का यूज़ हम कर लेते हैं, 3 पॉइंट कर्व का। सो फर्स्ट पॉइंट एंड देन ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, एंड देन सेकेंड पॉइंट, एंड देन रेफरेंस लाइन लेकर एक थर्ड पॉइंट आप ले लीजिए। ये आपने ले लिया और सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। आप अगर चाहें सेलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा मूव कर रही हूँ और थोड़ा ऑन कर लीजिए। अगर गैप देना चाहते हैं तो इस तरह से गैप दे सकते हैं।
सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सिंपली रिवॉल्व ऑप्शन मिलेगा, आपको एक एक्सिस डिफाइन करना है। ये रेफरेंस लाइन हम इसीलिए लेते हैं, सो ये एक्सिस डिफाइन करने के लिए 360 डिग्री आपको अगर चाहिए, यहाँ पे कमांड में पूछा जाएगा 360 डिग्री पे आपको रोटेट करना है, तो येस करिए एंड दैट्स इट। ये आपका लैम्प रेडी हो गया। आप इसे स्टिक देना चाहते हैं, सिंपली एक स्टिक दे सकते हैं। ये देखिए आपका लैम्प रेडी हो गया। और आप इसे थिकनेस अगर थोड़ा सा चाहते हैं कि थिकनेस यहाँ पे देखें, क्योंकि ये थिकनेस नहीं होती, तो सिंपली सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सरफेस पे जाइए, सॉरी सॉलिड पे जाइए, यहाँ पे थिकन करिए। थिकनेस कितनी देनी है आपको, 1 इंचेस, 2 इंचेस, 0.2 इंचेस देनी है। एंटर करिए, 0.2 इंचेस की आपको थिकनेस आ जाती है इस पर। और इसके अंदर अगर आप लाइटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन सिंपली सेलेक्ट करिए, मूव करके बाहर करिए, और इसी इसी लाइन को ही आप थिकनेस बना सकते हैं। सो सिंपली इसे हम पैंडन की तरह रखते हैं और इसे एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सट्रूड ऑप्शन है, सिंपली वन साइड एक्सट्रूड कर लीजिए, 0.2 इंचेस दे दीजिए, ये हमने दिया इसे। और इसे ही सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अगेन सॉलिड पे जाइए, थिकन करिए, अगेन 0.2 इंचेस आ रहेंगे एंटर। ये देखिए ये आपका लैम्प स्टिक पे रेडी हो गया। सो इस तरह से ये लैम्प रेडी हो गया। आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके 3D रोटेट ऑप्शन, ये देखिए 3D रोटेट ऑप्शन, और इसे आप हैंग कर दीजिए। ओके, सिंपली लाइन लीजिए और कोई भी एक मिड पॉइंट ले लीजिए रेफरेंस के लिए, और इस तरह से हम रखते हैं इसे। जहाँ पे भी हैंग करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए। अब इसे यूनियन कर सकते हैं क्योंकि कलर आपका सेम रहेगा, सो सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी मटेरियल आप डालेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा, सो सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, पॉइंट लीजिए, और आपने यहाँ पे एक सिंपली लाइन लिया हुआ है, सो यहाँ पे पॉइंट रखते हैं हम। यहाँ पे आप वायर फ्रेम का ज़्यादा बेटरली यूज़ कर सकते हैं ताकि टॉप व्यू आपको दिखे कि आप लैम्प कहाँ पे पुट कर रहे हैं। सो लैम्प थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है हमें, सो यहाँ पे लैम्प का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। ओके, आप इसे टॉप व्यू से देख लीजिए। यस, टॉप व्यू से करेक्ट आ रहा है। ओके, सो टॉप व्यू से फिर से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यूनियन है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा, कॉपी कर लीजिए इसे, मूव लीजिए, आप प्रॉपर डिस्टेंस टाइप करके भी ले सकते हैं। सो ये हमारा रेडी हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मूव, आप प्रॉपरली इसे रखिएगा। ओके, 3 लैम्प्स हमारे रेडी हो गए। ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह से हमारे लैम्प्स भी रेडी हो गए, ये देखेंगे आप। सो इस तरह से हमारी सारी जो नीड थी 3D मॉडलिंग से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई है। हमने स्टूल बना लिया है, ये देखिए कंप्लीट हो गया है, स्टूल बना लिया है, सारी चीज़ें हमने बना ली है। इस वॉल को मैं फ़िलहाल के लिए आपको शो करने के लिए डिलीट कर दे रही हूँ। सो ये कंस्ट्रक्शन सारा हो गया हमारा, बैक साइड पे आपको पेंट। अब जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पॉट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मटेरियल लैंसिंग से रिलेटेड है। ओवन जो है ये इमेज से रिलेटेड है, आप सिंपली आपको इमेज पुट करना है। जो बैकग्राउंड ट्रीज़ वगैरह आप देख रहे हैं ये सारे जेनरिक मटेरियल्स से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे कैसे दिखाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप ब्लैक कलर के पैनल दिखा सकते हैं यहाँ पे, नल्स वगैरह में। तो सारे मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं, तो मटेरियल का यूज़ हम अब जानेंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं आपसे मटेरियल के साथ, मटेरियल्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ तक मैंने 3D मॉडलिंग बताई, 3D मॉडलिंग के बाद हम मटेरियल पे मिलेंगे। मटेरियल छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको मटेरियल से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कि मटेरियल जेनरिक मटेरियल किस तरह से आप अप्लाई। पुराने इंटीरियर एपिसोड्स को जिसमें मैंने लाइब्रेरी बनाना बताया था उसमें मैंने मटेरियल का काफ़ी अच्छा यूज़ बताया था कि किस तरह से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जा सक
जाके देख सकते हैं, या फिर मुझे फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड पे आपको मटेरियल लेंसिंग से रिलेटेड बताऊंगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि मटेरियल किस तरह से आप जेनरिक मटेरियल एंड मटेरियल का यूज़ किस तरह से अप्लाई करते हैं। एंड देन हम चलेंगे मटेरियल अप्लाई करने के बाद लाइटिंग्स पे, लाइटिंग अप्लाई करना, सनलाइट्स पे जाना, एंड देन रेंडर, एंड देन आपका जो फाइनल आउटपुट रहेगा पैनोरमा रेंडरिंग, जो वीडियो रेंडरिंग होती है 360A 360 रेंडरिंग के थ्रू होती है। ऑर्डर इस ऑनलाइन रनिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी हाफ टॉपिक्स बचे हुए हैं, सिर्फ मॉडलिंग तक हमने सीखा है, जो फाइनल टचअप है वो बचा हुआ है। मटेरियल, रेंडर, सारी फाइनल जो मेन टचअप है या लाइटिंग्स है, ये सारी बची हुई है। तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो करते रहिए और मैं आपको बताती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मटेरियल लेंसिंग के साथ। सो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Purchase video training and tutorial DVDs on Amazon.in. Just visit Amazon.in, search for Art the Gallery tutorial DVDs, choose yours and enjoy buying. Also visit our website artthegallery.com, go to my tutorials and learn more with us. Thank you for visiting artthegallery.com. Imagination comes to real. Thanks for watching.